तो वहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, तो किसने कहा 2,500, किसने कहा 2,000, किसने कहा हम 1,500 में कर देंगे। 5-10 मिनट के अंदर ही उन्होंने काम कर लिया। अच्छा ये हो गया जी, ये घिस गया, टूट गया। तो ऑलमोस्ट जयपुर के 90% लोग तो यहाँ आते ही हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं भुवनेश और जयपुर बेस में फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है मेरा ये वीडियो, ये अपने कार के साइड मिरर से रिलेटेड है। और अभी एक दिन पहले ही इसमें एक इशू हो गया था कि कार के जो ये साइड मिरर है, ये फोल्ड होने में काफ़ी मतलब हो ही नहीं रहा था फोल्ड, और इसमें से इसके मोटर की आवाज़ आ रही थी। तो उसके लिए मैंने कई जगह, काफ़ी जगहों में मैंने बातें भी की लोगों से, कार जो रिपेयरिंग करते हैं, तो उन्होंने बताया है मुझे कि ये प्रॉब्लम आती रहती है जनरली, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है वो। लेकिन मैंने एक बहुत ढूंढा, तब जा कर के मुझे एक पर्टिकुलर ऐसी जगह मिली जहाँ पे साइड मिरर का ही काम होता है। तो मैं पहले दिखा देता हूँ कि ये जो साइड मिरर है, जो प्रॉब्लम आई है वो किस तरह की प्रॉब्लम है। ये क्रेटा है और इसके इलेक्ट्रिक, आपको पता ही है इलेक्ट्रिक इसके साइड मिरर है। अब इसमें जो प्रॉब्लम आई है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें प्रॉब्लम किस तरह की आ रही है। अब जैसे कि मैंने ये पुश कर दिया बटन, अब उसका लेफ्ट साइड मिरर वो वर्क हो रहा है, लेकिन राइट साइड मिरर वो वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन एक आवाज़ आ रही है घर घर की। तो ये आवाज़ जो है इस साइड मिरर में आ रहा है, ये एक प्रॉब्लम हो रही है, और ये फोल्ड नहीं हो रहा है। तो ये और ये कंटिन्यूसली चल रहा है। तो अब इसके रिपेयरिंग के लिए अपन जाएंगे। मैं इसको खोल देता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं इसको। अब जैसे कि दोस्तों, ये मैंने खोल लिया है साइड मिरर, और इसको खोलने का एक रीज़न ये भी था कि वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है। तो ये मैं अपने साथ कैरी करके अपने गाड़ी में लेके जाऊँगा ईवी में। इसको खोलना एकदम इजीली था, सिर्फ 3 ही स्क्रू थे, और 3ों स्क्रू इजीली खुल गए। वो मैंने आपको बता दिया कि किस ऐसे खुलने खोलने हैं इसको। तो आइए अब चलते हैं इसको लेके। पे आ चुका हूँ और ये जालूपुरा थाने के जस्ट सामने मिर्जी का बाग, ध्यान रखिएगा, जालूपुरा थाने के सामने मिर्जी का बाग गली है, वहीं पर ही है। और ये है टॉप किंग साइड मिरर, मैं आपको दिखा देता हूँ। और हमारे अलमास भाई और साद भाई दोनों काम में व्यस्त है। और ये है मेरी गाड़ी का, ये मेरी गाड़ी का। अब थोड़े गुफ्तगू करते रहेंगे जब तक ये सही होता रहेगा, मैं भैया से भी कुछ पूछता रहूँगा। ये हमारे सिद्ध भाई है और ये अलमाज भाई जी। अलमाज भाई जी अभी लाइट गई है, फिर भी अभी भी काम में लगे हुए, तो चलते हैं इनके साथ बैठ के थोड़ा गपशप भी करते हैं। सिद्ध भाई जान के पास मेरी मिरर है और ये अब खोल रहे हैं। और अच्छा, अब अलमाज भाई से भी थोड़े गुफ्तगू करते हैं। अलमाज भाई, ये बताइए कि अगर ये मिरर अगर मैं कंपनी में अगर सही कराने जाता तो कंपनी वाले कितना समथिंग ले लेते हैं? जैसे आप इसको सही कराने जाते, इसकी मोटर चेंज कराते कंपनी में, कम से कम 1200 से 1300 रुपये ले लेते हैं मोटर के, और प्लस उसके बाद लेबर चार्ज ले लेते हैं आपसे। और जो मोटर ये सही करेंगे, ये वही काम करेगी जो कंपनी की मोटर आपकी काम करेगी, और पीस 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 की हमारी गारंटी भी है। 2-4 दिन 15 दिन में भी कुछ हो जाए तो दूसरी मोटर लगा के आपको दी जाएगी गाड़ी में। अच्छा, इसमें जैसे कई आपने मुझे बताया था कि अगर आप खुद खोल के लेके आओगे और गाड़ी अगर लेके आते हैं हम, तो ये जैसे कई कस्टमर को थोड़ा दिक्कत होता है कि खोलने में, या उनके लिए फर्स्ट टाइम ही रहता है कि किस तरीके से वो खोले, तो उसके लिए भी आप गाइड वाइड कर देते हैं कि किस तरह? हाँ, ऐसा है जैसे किसी की गाड़ी पर सेट नहीं हो पाता गिलास, वो हमसे खरीद के ले आता है सेल करके गिलास, और वो कहता है जी ये ज़रा चल नहीं रही है गिलास, दिक्कत आ रही है, ये काम गलत कर रही है। तो उसकी कस्टमर की गाड़ी हम मंगाते हैं, फिर उसको उसकी गाड़ी के हिसाब से सेटिंग करके गिलास की देते हैं, और कोई चार्ज नहीं लेते फिर।
मिरर के अलावा भी इसमें कुछ और भी ख़राबी होती है? हाँ, वो मोटर जो फोल्डिंग होती है ना हमारी मिरर की, वो फोल्डिंग मोटर ख़राब हो जाती है। जैसे उसकी गरारी वगैरह होती हैं वो कट जाती हैं, तो उसमें क्या मोटर का कुछ नहीं बिगड़ता, उसकी गरारियाँ चेंज कर दो, नई गरारियाँ डाल दो, फिर वही प्रॉपर काम करेगी मोटर जो उसको करना चाहिए, फोल्डिंग वगैरह सब हो जाएगा। और ज़्यादातर मोटर ख़राब जो होती है ना उसकी गिलास की, ज़्यादातर लोग बाग हाथ से फोल्ड कर देते हैं, और क्योंकि इलेक्ट्रिशियन गिलास है ये हाथ से फोल्ड नहीं होता, हाथ से फोल्ड करने में मोटर टूट जाती है इसकी, और ज़्यादातर बारिशों में भी ख़राब होता है पानी वगैरह जाने से, ये जाम हो जाती है मोटर। इसके अलावा और भी कुछ इसमें हमें केयर करना है? नहीं, बस ये हाथ से फोल्डना हो, और जब गाड़ी खड़ी करके कहीं जाएँ तो उसको फोल्डिंग करके जाएँ गिलास को। ऐसा है आप चले आते हो गाड़ी खड़ी करके, दूसरा फोल्ड कर जाता है, जगह नहीं होती गाड़ी निकलने की, तो इसलिए फोल्डिंग करके जाए हमेशा। तो दोस्तों ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आएंगे तो आपको गारंटी तो मिलेगी, और ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एक बार यहाँ पे रिपेयर हो गया है तो आप एकदम निश्चिंत होकर के आप यहाँ पे अपनी जो फोर व्हीलर है वो लेके आ सकते हैं साइड मिरर के लिए। क्रेटा का जो ये मेरा है, इसमें आपने मतलब ये सब चेंज किया? ये चीज़ चेंज, गारंटी ख़राब हो जाती है, ख़राब हो जाती है। अच्छा, ये होता है जी, ये घिस गया, टूट गया, ये तो इधर से चटक गई हल्की सी, बड़ा बारीक सी, उससे ख़राब हो जाता है ये, कहीं गिरता है ना उसके जो है, ये आप कहीं और लेके आओगे लोग कह देंगे हमने मोटर चेंज करी है गरारी डालते टाइम, मोटर चेंज नहीं होती, सिर्फ गरारी इसकी ख़राब होती है, गरारी चेंज कर दी जाती है और मोटर फिर वही काम करती है जो नई वाली मोटर काम करेगी आपकी। दोस्तों कल की ट्रेजेडी तो मैंने आपको बताई नहीं कि कल जब मैं टॉप की किरण मिरर नाम ही नहीं सुना था, उससे पहले मैं मार्केट में घूम रहा था, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, तो किसने कहा 2500, किसने कहा 2000, किसने कहा हम 1500 में कर देंगे, फिर लास्ट में मुझे एक भैया मिले जो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे सिर्फ इकलौते एक ही है टॉप किंग मिरर वाले, और उन्हीं के पास ये सब लोग भी जाते हैं, ये सिर्फ आपको बताते हैं कि हाँ कि 2500 में कर देंगे, लेकिन आते वो सब यहीं पर ही है, और ये फैक्ट भी है, ये फैक्ट है सब लोग की। जी हाँ, ये बात सच है। तो गाइज इसका भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आइंदा कभी आप किसी कार सर्विस वाले के पास जा रहे हैं रिपेयर कराने साइड मिरर के लिए, तो ऑलमोस्ट जयपुर के 90% लोग तो यहाँ आते ही है तो 90% लोग यहाँ पर आते हैं, भैया ने बताया भी है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कंपनी के अलग अलग मिरर है, और यहाँ पे हर ब्रांड के आपके पास मिरर अवेलेबल है? हाँ, मिल जाते हैं, वो जैसे नई भी होते तो आपको मंगा के दे देंगे एक दो दिन के टाइम में। अच्छा, कंपनी के मिरर और आपके मिरर में डिफरेंस क्या है, मतलब प्राइस को लेकर के है या क्वालिटी? कंपनी के मिरर में और हमारे मिरर में ये है, जो कंपनी में 4-5 हज़ार रुपये की चीज़ है हमारे पास 1200-1500 रुपये में मिल जाती है, और जो कंपनी का मिरर काम करेगा वही हमारा करेगा काम। बस ये होगा हमारा सेकेंड हैंड होगा लोड का माल। ओके, तो गाइस ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि भैया के यहाँ पे हर तरह के मिरर जो है वो आपको न्यू और सेकेंड हैंड दोनों मिल जाएंगे, और वो भी कंपनी से तकरीबन आप ये मान के चलिए आधे से भी आधे प्राइस में मिल जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली मेरा मिरर जो है क्रेटा का साइड मिरर ये काम कर रहा है, और अलमास भाई जी के भांजे सिद्ध भाई साहब ने, भाईजान ने ये किया है मेरा, और वो भी मात्र 5-10 मिनट के अंदर ही इन्होंने काम कर लिया इसमें, एकदम बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों वहाँ से मिरर लाने के बाद मैंने इसको वापस इंस्टॉल कर दिया है, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको मिरर मूव करते हुए दिखा देता हूँ। ये देखा आपने, एकदम प्रॉपरली वर्क हो रहा है और बढ़िया तरीके से हो रहा है।